वेस्टर्न एयर कमांड के अधीनस्थ चंडीगढ़ एयरबेस से लड़ाकू विमान सिर्फ 35 मिनट में लेह पहुंच सकते हैं। वहीं सेना की टुकड़ियों को अपने साजो सामान और हथियारों सहित वहां पहुंचने में 50 मिनट लगेंगे। सैन्य सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ में चिनूक चॉपर और MiG-29 की स्क्वाड्रन मौजूद है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से भारतीय वायुसेना दुर्गम इलाकों में सेना के भारी भरकम हथियारों को कम से कम समय में आसानी से पहुंचा सकती है। ये 11,000 किलोग्राम तक भार उठा सकता है। इस चॉपर में दो रोटर वाला इंजन है, जिससे ये बहुत ही तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है। ये घने वन वाली पहाड़ियों में भी अच्छे ढंग से उड़ान भर सकता है। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए छोटे से हेलीपैड की ही ज़रूरत होती है, जो कि घाटी में कहीं भी आसानी से तैयार हो जाएगा। वहीं MiG-29 रूस निर्मित ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये 2446 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प के मद्देनज़र चंडीगढ़ समेत उत्तरी क्षेत्र की छावनियाँ हाई अलर्ट पर हैं। चंडीगढ़, अंबाला और पंजाब में आला सैन्य अफसर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ये तैयारियां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर ही नहीं बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर पाकिस्तान की भी नापाक हरकतों को देखते हुए की जा रही हैं। सैन्य सूत्रों ने बताया कि प्रमुख सैन्य कोर में मौजूदा हालातों को देखते हुए युद्ध संबंधी नीति पर चर्चा की जा रही है। उत्तरी क्षेत्र की तमाम सैन्य कोर मोर्चाबंदी को भी पूरी तरह तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक वेस्टर्न एयर कमांड को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके लिए कमांड के अंतर्गत तमाम वायुसेना स्टेशनों पर लड़ाकू विमानों व हेलीकॉप्टर द्वारा एक्सरसाइज की जा रही है। इसके अलावा भारत और चीन के बीच हुए टकराव के बाद बॉर्डर पर सेना की चहलकदमी बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार इलाके में तैनात सभी यूनिट को वापस आने से रोक दिया गया है, साथ ही उनको हर वक्त तैयार रहने के आदेश भी दिए गए हैं। सेना ने बॉर्डर के पास के गांवों को खाली करने के निर्देश दिए हैं। मोबाइल फ़ोन और लैंडलाइन की सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। ऑपरेशन से जुड़े फ़ोन की भी सिर्फ आउटगोइंग सेवा चालू रखी गई है। तो वहीं सेना ने देमचौक पेंगोंग लेक के पास की बस्ती को भी अलर्ट पर रखा है। लेह और श्रीनगर हाईवे को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। भारत सरकार ने सेना के सभी जवानों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। जिन जवानों की छुट्टियां कोरोना के कारण बढ़ी थीं, उनको भी वापस बुला लिया गया है। साथ ही सभी फॉरवर्ड पोस्ट के कमांडरों को आदेश दिया है कि अगर चीन कोई भी कार्रवाई करे तो तत्काल एक्शन लिया जाए।